जब तुम शहीद हुए थे तो न जाने कैसे तुम्हारी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, तुम्हें लगने वाली गोली भी उस दिन 100 बार जरूर रोई होगी। आंखें नम हैं, होंठ कांप रहे हैं, बाजू फड़फड़ा रहे हैं और चेहरा टिमटिमाया हुआ है। तो हम अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद नरेश कुमार के घर पहुंचे हैं। जैसे ही घर पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, घर के अंदर कोहराम मच गया। शहीद नरेश की पत्नी सुदेश अपने पति को तिरंगे में लिपटा देख बेसुध हो गई। 11 साल की बेटी मानवी की आंखों में आंसू बह निकले। वह पापा पापा कहते हुए जोर से रो पड़ी और डेड बॉडी के लिपट गई। शहीद की पत्नी सुदेश को देखकर सभी की आंखों के अंदर आंसू आ गए। छोटी बेटी जिस तरीके से रो रही थी, हर एक इंसान की आंखें नम हो गई थी ये नज़ारा देखकर। और जितने भी लोग आए हैं सबकी आंखें भर आई थी, ऐसा दृश्य बन गया था। नरेश कुमार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, नरेश तेरा नाम रहेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलीगढ़
Thank you.